हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आज है रक्षाबंधन का त्यौहार, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो पे। तो आज की वीडियो हमारी है जो मतलब जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग घर में रहते हैं, मतलब गाँव की बात और शहर में कितना अंदर है मतलब रक्षाबंधन के दिन। आज मैं आप लोगों को वही बताने के लिए इस वीडियो बना रहा था, क्योंकि आज हम भी यहाँ मतलब बाहर है तो राखी बांधने वाला बहुत मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है जो घर में बात रहती होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों को सबको बताया, रक्षाबंधन का त्यौहार है। कुछ लोग कल मना रहे थे, कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग बोलते मतलब कल मतलब नहीं मनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे कि सुबह पहले न्यूज़ में भी आया था कि सुबह मतलब शाम को रात को 9 बजे के बाद बांध सकते हैं रक्षाबंधन, और कुछ लोग मतलब सुबह से ही बांधने लग गए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब कुछ ऐसा खतरा काम है कि राखी नहीं बांधती, कुछ लोग बांध रहे थे, कुछ लोग नहीं बांध रहे थे। तो हमने तो कल बांधा नहीं, तो हमने इसलिए आज बांधा। एक बहन थी हमारी अभी यहाँ, उसने कल हमें आज सुबह राखी बांधा था। तो मतलब गाँव और शहर में रक्षाबंधन बांधने के लिए से हमें जिसके जो हमें राखी बांधेगा उसके घर जाना पड़ता है राखी बांधने के लिए, क्योंकि सब दूर दूर रहते हैं, गाँव में सब नज़दीक रहते हैं, तो सारे के सारे लोग अपने घर में आते हैं रक्षाबंधन बांधने के लिए। जितने जितने मतलब हम बड़े होते जाते हैं उतने उतने हाथों में से राखी कम होती जाती है। जितने छोटे थे तो उतनी ज़्यादा राखी होती थी, और जितने बड़े हो रहे थे उतने कम राखी होती है। एक टाइम ऐसा भी था जब अपन बहुत छोटे थे, हाथों पूरा दोनों हाथ पूरा राखी से भरे पड़े होते थे। अब भी अभी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसने बांध देता तो एक दो राखी मतलब लोग बांध देते हैं, वरना तो मतलब नहीं बांधते शहर में उतना, बहुत कम लोग बांधते हैं। जैसे गांव में क्या छोटे बड़े मतलब हुआ ऐसे लोग सब सारे मतलब आ जाते हैं बांधने के लिए। अब यहाँ कोई भी तो वही बांधते हैं, उसके अलावा कोई बांधता नहीं। लेकिन किसी तरह से होता है कि शहर में रहकर मतलब कोई भी मिलता है कि बांधवाने के लिए, किसके भाई नहीं होते, किसी के बहन नहीं होते, जिनके होते हैं वो अभी मतलब एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहता है कोई कहीं कोई कहीं, तो इस वजह से वो बांध नहीं पाते हैं। दोस्तों बचपन के दिनों में और आज के दिनों में बहुत अंतर आ गया है। पहले अपने पास पैसे नहीं होते थे राखी में बांधने के लिए, तो सामने वाले को पैसा लेते थे, सामने लोग क्या बहनों को सबको मतलब पैसे भी देने पड़ते थे। तो आप पैसे होते तो आप बहने मतलब होती नहीं, पास दूर रहते मतलब राखी बांध नहीं सकती है। जब छोटे छोटे तो बोले पैसे कम हो पर राखी हमेशा पूरी भरी पड़ी रहती है। अलग अलग प्रकार की राखी होती है, घड़ी वाली, दोस्ती वाली, मतलब बुढ़िया वाली, सब अलग अलग मतलब छांट के लाते थे कि इसको ये राखी बांधूंगा, उसको वो राखी बांधूंगा। और यहाँ कुछ है नहीं, मतलब किसने बांध दिया तो बांध दिया, नहीं बांधता फिर आपको कोई फ़र्क किसको पड़ता नहीं। पर पहले की बात और आज की बात में मतलब बहुत अलग डिफरेंट हो गया, तो इसलिए मैं यही वीडियो बनाना चाह रहा था। तो वीडियो मतलब पहले सोच रहा था काफ़ी बनाने के बारे में, फिर मैंने उतना सोचा नहीं इसलिए। दोस्तों बस आज की वीडियो बस यही तक। रक्षाबंधन का एक छोटा सा त्यौहार होता है जो भाई बहन का ही त्यौहार होता है, इसमें साफ सुथरा सभी लोगों को पता है कि रक्षाबंधन बांधते हैं हमें बस मिठाई खिलाते हैं बांधते हैं, बस वही होता है। तो पहले के दिनों में आजकल के दिनों में बस इतना ही फर्क है। पहले अपन के पास पैसे ज़्यादा कम होते थे, राखी दोनों हाथ भरी रहती थी। अब अपने यहाँ सब चीज़ पैसे भी है लेकिन घर है नहीं, राखी लोग कोई बांध सकते नहीं हम पे। तो जितने बड़े होते जा रहे हैं हाथों से राखी उतनी कम होती जा रही है। भले जेब में पैसा हो पर राखी बांधने वाला कोई मिलता नहीं। जब बचपन में छोटे थे तो सारे लोग राखी बांधते थे, भले पैसे कम दो या नहीं दो तो कुछ किसी कुछ टाइम मतलब अपने कोई टेंशन नहीं थी। अब राखी बंधवाने भी जाए तो 10 बार सोचना पड़ता है यार क्या करें क्या करें। दोस्तों बस आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।